नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर यू में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास का टॉपिक नंबर 2, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन पब्लिश कर दिया है। उसके एमसीक्यूज अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो सारे एमसीक्यूज के आप सारे आंसर सही सही दे देंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकास परिपक्वन और अनुभवों के बीच अननोन क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाया जाता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, विकास प्रबलन और दंड द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? देखिए, यहाँ पे जो दंड के द्वारा किया जाता है तो गलत है, विकास अनुभव मात्र है ये भी गलत है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति में सही ढंग से अनुमान लगाया जाता है ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, विकास जो है ये परिपक्वन तथा अनुभवों के बीच अननोन क्रिया की वजह से ही घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। शिक्षण का विकासात्मक परिपेक्ष शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। विकासात्मक कारकों का ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियों का अनुकूलन करें, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञात्मक क्षेत्र का विकास हो सके, तो ये भी रहोगे। अब हमारे पास बच जाते हैं 2, तो इन दोनों में आप थिंक करिए क्या क्या राइट आंसर हो सकता है। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो 2। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षण का विकासात्मक जो परिपेक्ष है तो वो ये है कि विकासात्मक कारकों का ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। क्वेश्चन नंबर 3, आपने अगर वो टेस्ट लगाया होगा तो आप इसके आंसर सही दे रहे होंगे बिल्कुल, और जिसने नहीं लगाया है तो वो नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग नहीं बना रहा है, वर्ग मतलब स्क्वायर नहीं बना रहा है, उसको स्क्वायर बनाने में कठिनाइयां का अनुभव कर रहा है, उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे मतलब डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई सामने आएगी। तो ये जो निम्नलिखित में किस सिद्धांत है जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो देखिए पहली बात तो ये सिंपल सी आकृति होती है, वर्ग वह इसे नहीं बना पा रहा है, तो डायमंड का इतना थोड़ा सा टफ जो चित्र है उसे वह कैसे बनाएगा? क्या विकास निरंतरी होते रहता है? ये तो बिल्कुल इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एक चीज सीख रहे हो, आसान चीज सीख रहे हो और उसके बाद आप कठिन चीज सीखने जा रहे हो। अलग अलग लोगों के लिए विकास एक प्रक्रिया में अलग अलग होता है, विकास एक व्यवस्थित क्रम होने की प्रवृत्ति से संबंध है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है? तो तीसरे का आंसर जो होगा, थर्ड वाला होगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम से होता है, पहले आप स्क्वायर बनाना सीखेंगे तभी आप डायमंड का चित्र बना पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बहुविधि सिद्धांत की आलोचना है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राइट आंसर जो होगा वो 1 होगा, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में ही विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आई होप आप इस तरह ज्वाइन करेंगे तो जरूर आपका बाल विकास अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान योग्य बनाती है, तो निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास की योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों के संवेगों को नियंत्रण रखने की योग्य बनाती है, विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता देती है, या शिक्षार्थी को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर सभी का मेरे को लगता है सही निकलने वाला है, वो है 3, अलग अलग शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता देती है मानव की जो बुद्धि होती है वह। क्वेश्चन नंबर 6, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय एवं स्वायत्तता से अग्रसर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 जो होगा वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा एक सिद्धांत है? देखिए यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन लिखा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो इसको कट कर दीजिए आप। विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत है। मैंने बताया था आपको वर्तुलाकार भी विकास होता है। सभी विकास की दर समान नहीं होती है। विकास सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं है। तो इसमें जो मुझे सही लग रहा है और आपके अकॉर्डिंग भी, वो है आंसर टू। सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास की दर होती है। एट वाला चलते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तीसरा, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगर बच्चों के विकास के सिद्धांतों के बारे में शिक्षक समझ जाता है तो वह उनमें अधिगम जो शैलियाँ हैं, कौन सी अधिगम शैली किस बच्चे में यूज़ करना है, किस तरह की अधिगम शैली यूज़ करना है, इसके बारे में उसे प्राप्त हो जाता है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिस तरह हम यूट्यूब में स्टडी करते हैं उसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देखने को मिल जाते हैं अनअकैडमी में। अनअकैडमी भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी करने के लिए, और मेरे भी सारे वीडियो जल्दी अनअकैडमी में आप देखेंगे। तो एक बार प्ले स्टोर में अनअकैडमी आप सर्च जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ऑप्शन टू है निरंतरता के सिद्धांत से, जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये बताता है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विशिष्टता, निरंतरता और अनुक्रमिकता, ये सारे तीनों हैं, इसमें कौन सा नहीं है? आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रतिवर्ती। तो मानव विकास के कुछ सिद्धांतों में जो प्रतिवर्ती पर वह आधारित नहीं है। 11, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें जो खेल पद्धति बनाई गई है वो क्या देखकर बनाया जाता है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो वो जो शिक्षण पद्धति बनाई जाती है वो बनाई जाती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को सामने रखकर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का उद्देश्य के साथ संबंध है? देखिए, एक शिक्षक है उस विद्यार्थी की क्षमताओं को समझना चाहिए उसे। तो ये क्या शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं हम इसे, या इसे हम जो सामाजिक दर्शन कह सकते हैं, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसे हम कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं, प्राकृतिक को जानकर शिक्षा देते हैं, आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति को जानकर शिक्षा देते हैं। तो जो शैक्षिक बाल मनोविज्ञान है उसमें इन तीनों ही चीजों को महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। आपको कई बार बता चुका हूँ शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो कैसा है, एक व्यवहार का मनोविज्ञान है, सिद्धांतों का, मानव सिद्धांतों का या मानव व्यक्तित्व विभिन्नताओं का नहीं, मानव व्यवहार का विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में उतने ही पिछड़े रहते हैं? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बताता है? तो वो होता है परस्परता का सिद्धांत। परस्पर जो संबंध का सिद्धांत है ये बताता है कि कोई अगर शारीरिक विकास उसका कम है तो उसका संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास भी कैसा होगा, कम होगा। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है। जो एक सिद्धांत जो होता है दूसरे सिद्धांत से संबंध रखता है या दूसरे सिद्धांत को भी प्रभावित करता है।
मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, यह बताता है। शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित हैं, शिक्षा के आदर्शों का करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें ये बताता है। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होना चाहिए थर्ड, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान उद्देश्य का क्षेत्र यह बताने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो देखिए, आंतरिक कारक में बुद्धि और जो उसके शारीरिक कारण होते हैं ये भी हो सकते हैं, और उसके अनुवांशिक गुण भी हो सकते हैं। तो इस तरह 17 के जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? तो देखिए, जो बच्चे की आर्थिक स्थिति होती है, मतलब वह भी प्रभावित करती है, सामाजिक स्थिति भी करती है, और जीवन की घटनाएं भी बाह्य रूप से एक बालक को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा? शारीरिक रूप से विकलांग बालक का, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, या उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो संपन्न बालक होते हैं इनका विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि ये समाज में भी और अपनी आर्थिक स्थितियों में भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, अच्छा खान पान मिलता है और सभी सुख सुविधाएं होती है, इसीलिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न बालक है उसका विकास अधिक होगा या सही समय में होगा। बालक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालक के गत्यात्मक और भाषी विकास एक निश्चित प्रतिमान के क्रम दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर क्या है आप बताइए दीजिए इसका। तो ये होता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो जो टॉपिक्स है, इट इज अ वेरी यूजफुल टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बालक की समस्या का निदान करने के लिए, बिल्कुल, अगर आपके बाल विकास का आपको ज्ञान है तो आप बालकों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बालकों के उपयुक्त शिक्षण विधि को अपनाने के लिए, बिल्कुल, अगर आपको पता है कि बालक का विकास किस आयाम में हुआ है, वह किस विधि से सीखेगा, तो ये भी बहुत जरूरी है। बालक में उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण करने के लिए, बिल्कुल सही, मतलब ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है? जो बाल मनोविज्ञान है उसमें अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बालावस्था तक का, बालक के जन्म से जो पूर्व है, मतलब गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। तो राइट आंसर है इसका सेकेंड, बालक के जन्म से पूर्व से लेकर किशोर अवस्था तक बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, और 3 अवस्थाओं में विभाजित किया हुआ था, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो जो माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, या प्राथमिक शिक्षक के लिए, इन सभी के लिए। देखिए, जो बाल मनोवैज्ञानिक होता है वो प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चों की जो मनोदशा है उसे बहुत ज़्यादा समझना होता है और बहुत धैर्य रखकर पढ़ाना होता है। बाल विकास में कौन सा सिद्धांत यह बताता है जिन बच्चों का औसत से अधिक वृद्धि होती है वह शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी काफ़ी आगे बढ़ जाता है, या इनमें भी काफ़ी विकास हो जाता है, जो औसत से ज़्यादा वृद्धि जिन बालकों में हो रही है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? ये जो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है, बालक के जो विकास का सिद्धांत है, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से संबंध रखता है या प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राइट आंसर है इसका थर्ड, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक।
जो बाल मनोविज्ञान में उपयोगिता नहीं रखा जा सकता है, इसमें शिक्षा की आर्थिक जो प्रगति में सहायक है, ये चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समान से समान की ओर बिल्कुल गलत कथन है, जैसे कि आप लोगों को पता है, और समान से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, तो इसमें सही है समान से विशिष्ट की ओर। पहले जो बालक होता है वह समान चीजें सीखता है, उसे बाद में उसी को ही वह विशिष्ट बनाता है, तो समान से विशिष्ट की ओर जो होता है ये विकास होता है। बाल विकास निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत बताया गया है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति का नियंत्रण करना सीखता है और फिर वह पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है? तो हमने बताया हुआ था ये विकास की दिशा का सिद्धांत, ये बताता है कि जो कि विकास किस दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 28, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर पैर, हाथ को और उंगलियों को एक साथ हिलाना सीखता है। पहले बालक क्या करता है, पूरे हाथ को हिलाता है और उसके बाद उसकी उंगलियों को हिलाना वो चालू कर देता है। तो ये कौन सा सिद्धांत ये बताता है? 28 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो वो है थर्ड, एकीकरण का सिद्धांत। आपको पढ़ाया गया है ये भी, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका थर्ड, विकास बच्चे में वृद्धि सहायक की जो गति ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ाने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जबकि की जा सकती है। तो ये राइट आंसर होगा, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये ड्राइवर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय तक होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास समान रूप से विशेषता दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 31 तीनों के तीनों सही है, जिस तरह विकास का सिद्धांत पढ़ाया गया है आपको उसके अनुसार। बाल विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने फिर से, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। बालकों में व्यक्तित्व सर्वगुण विकास के लिए आवश्यक है कि उसमें खालिस्तान की जानकारी होना चाहिए, तो उसके व्यवहारों की जानकारी होना चाहिए, तभी एक बालक का सर्वगुण विकास हो सकता है। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को एक ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों और विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिसमें बालकों के अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वगुण विकास हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम। बालक के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को एक ऐसी उपयुक्त शिक्षण अधिगम परिस्थितियों या विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग हो सकता है ताकि बालक का सर्वगुण विकास हो सके। बालक को एक ऐसा शिक्षण युक्ति देना चाहिए जो उसके लिए सही है और उसे एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जो उसके लिए सही होगा, तो ऐसे में बालक का विकास हो सकता है, उसे हम शिक्षण अधिगम कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे सारे ये वीडियो की पीडीएफ्स और नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो, और या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ज पे करने होंगे 100 रुपीज़, जिसका पेटीएम लिंक और या मैंने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया है, उसमें पेमेंट करके आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और सिंपली आप जुड़ने के बाद स्क्रीनशॉट हमें पहुंचा दें और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप तो इसी तरह के अच्छे अच्छे मटेरियल्स आपको हम पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लगे रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा।